सभी भाइयों को और जितने भी मेरे देशवासी हैं सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और हमारे कुछ दोस्त हैं 10-20 मेंबर ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल शांति से प्रोग्राम हुआ है, और जितना भी कमेटी ने साथ दिया है और जितना गाँव वासियों ने उनका साथ दिया है, बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है सभी के सभी। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगले वर्ष भी इसी तरह प्रोग्राम होए और हमारी कमेटी हमारा काम इसी तरह करती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फाजिलका के गांव कोड़ियावाली में पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया। देखिए किस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे संवाददाता संजय जलंधरा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा यह तस्वीरें हमें भेजी जा रही हैं। गाँव कोड़ियावाली का यह नज़ारा है, यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी के दरबार को सजाया गया है। गांव कोड़ियावाली का यह नज़ारा है, यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर सुंदर सुंदर झांकियाँ तैयार की गई। देखिए किस तरह से यहाँ पर झांकियाँ सजाई गई हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को देखने के लिए यहाँ पर पूरा गांव उमड़ पड़ा। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता संजय जलंधरा द्वारा यह लाइव तस्वीरों में भेजी जा रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। मेरा नाम चंद्रशेखर, मैं गांव कोड़ियावाली से हूं। हमारे यहां हर साल 20 साल से जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, और इस साल भी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। यहाँ पे हमारी सभा बनाई हुई है बच्चों की, जो बालाजी भजन मंडली की ओर से जाना जाता है। उन्होंने बहुत नेक काम किए गांव के अंदर, और हर फंक्शन हर कोई हिस्सा लेते हैं, नेक काम में, कोई धार्मिक काम में हो। और इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देना चाहता हूँ कृष्ण जन्माष्टमी की ओर से, और सभी भजन मंडली की सभी की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे गाँव वालों ने सहयोग किया। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी यंग फ्रेंड्स का करता हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग करके बहुत बहुत टाइम निकाला, और सभी गांववासी सहयोग दे रहे हैं बहुत बढ़िया हमारे बच्चों का। इससे हमारा आगे से आगे प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है कि आगे से हम जो भी है अच्छा नेक काम करें। धन्यवाद, थैंक यू। गांव कोड़ियावाली में मनाए गए श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पर भगवान श्री कृष्ण की यह झांकी देखिए किस तरह से निकाली जा रही है। वासुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। देखिए किस तरह से गांव वासियों द्वारा थाली बजाकर खुशी जताई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। देखिए किस तरह से यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आरबीआई मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिलका के नजदीकी गांव कोड़ियावाली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देख किस तरह से यहां पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, सुंदर सुंदर झांकियां भी बनाई गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी यहां पर मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता संजय जलंधरा यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा यह तस्वीरें हमें भेजी जा रही है, आपको दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। आसपास गांवों में यहाँ की जन्माष्टमी काफ़ी मशहूर है। जागरण पार्टियाँ आई हुई है जो भगवान का कीर्तन कर रही है, और लोगों को कृष्ण के जन्म उनके जो दिया गया गीता के ज्ञान के बारे में बताया गया है। गांव के नौजवान साथियों और पूर्व गांववासियों के सहयोग से बहुत ही विशाल जागरण और सुंदर सुंदर झांकियों का कार्यक्रम किया गया है, और कार्यक्रम के अंदर खीर का और चाय का भी अटूट लंगर चला है, और नौजवानों ने मतलब
राम के जो मंदिर है उसकी काफ़ी डेकोरेशन की है, सुंदर सजावट की है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अच्छा झांकियों में रोल निभाया है। तो मैं समस्त ग्रामवासियों और देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण के सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। फाजिलका के गांव कोड़ियावाली के श्री हनुमान मंदिर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर। देखिए किस प्रकार से यहां पर उत्सव चल रहा है, यहां पर मटकी कन्हैया मटकी फोड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर यह झांकी प्रस्तुत की गई है। गांव कोड़ियावाली का यह नज़ारा है। पूरा गाँव इस कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ा हुआ था। आरपीएल मीडिया पर हमारे संवाददाता संजय जलंधरा द्वारा यह लाइव तस्वीरें में भेजी जा रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिलका के गांव कोड़ियावाली के हनुमान मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया गया। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं आयोजनकर्ताओं की टीम से, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम सफल बनाया गया। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया है। ये देखिए, ये है पूरी टीम जिनके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की गई। इन बच्चों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आरबीआई मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना गाँव में कृष्ण जन्माष्टमी उपलक्ष्य पर कार्यक्रम कराया हुआ है और वो हमारी मंदिर की कमेटी और पूरा गांव का सहयोग प्रोग्राम हुआ है। तो मैं आगो आशा रखूँ कि यही प्रोग्राम चलता रहा है और बाबा का धार्मिक कार्यक्रम होता रहे। तो सारा गाँव से सहयोग ही कार्यक्रम हुआ है। तो ये खातर मैं कृष्ण जन्माष्टमी सारा ने बधाई दूँ। सारा ने कृष्ण जन्माष्टमी लाख लाख बधाई। आपका दिलीप कुमार। गाँव में जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है, ये कौन प्रोग्राम करवा रहा है? ये गांव के हमारे गांव में पिछले कई सालों से जन्माष्टमी का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार भी ये बड़े धूमधाम से गांव वालों की और हमारी कमेटी की तरफ से बहुत अच्छा मनाया गया है। और इस बार मटकी फोड का भी प्रोग्राम जो सबसे सफल रहा और बहुत बढ़िया रहा। मैं सभी गांववासियों का और हमारी कमेटी का और छात्रों का सभी को तय दिल से स्वागत करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अगले वर्ष भी कोशिश करेंगे इससे भी बढ़िया प्रोग्राम।